इससे मिलती जुलती दवाई एक सुराइनम है, बहुत सी बातों में मिलती है, इसलिए मैंने ग्रेफाइट्स के बाद सुराइनम रखी है। और सुराइनम बहुत ही गहरी दवा है, अमूमन इसको सल्फर से मिलाते हैं, क्योंकि जहां सल्फर नाकाम हो या सल्फर के मरीज की इलामतें गर्मी की नुमाया हों, वहां कहा जाता है कि सुराइनम काम नहीं करती। लेकिन अगर इलामतें सल्फर ही की हों और मरीज ठंडा हो, यानी वो सब बीमारियां जो सल्फर से पैदा हो, सल्फर जिनमें काम आती है, अगर मरीज सख्त ठंडा हो तो उसमें सुराइनम बहुत नुमाया असर दिखाती है। दोनों में बीमारियों में मरीज का कि अखराजात का बदबूदार होना, उसका जिस्म का गंदा होना, ये कॉमन है। और जल्दी अमराज इंतहाई नौयत की जो अंदरूनी ग्लैंड्स या अंतरियों वगैरह से, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से अदलती बदलती रहें, उनमें सल्फर और सुराइनम दोनों ही बहुत चोटी की दवाएं हैं। तो चूंकि अमराज मुश्तरक हैं बहुत हद तक, इसलिए सल्फर और सुराइनम को डॉक्टर करीबन एक तरह ट्रीट करते हैं। सुराइनम को गर्म सल्फर कह देंगे या सल्फर को ठंडे, यानी सुराइनम को ठंडा सल्फर कह देंगे या गर्म को सल्फर को ठंडी सुराइनम, एक ही बात है। लेकिन इतना भी इस तरह मुशाबे नहीं है कि आप तो एक मुतालिया समझ करने के बाद दूसरे के मुताले की ज़रूरत ना समझें। सुराइनम जब मैं पढ़ाता हूँ, अभी आपको सल्फर पढ़ा चुका हूँ, तो सुराइनम की अपनी जगह स्टडी की ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ ठंडी और गर्मी की बहस नहीं, सल्फर का दखल ही कोई नहीं।